नमस्ते, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं जीकेएम एजीसी 8.7 वर्जन 5.1 के बारे में। यहाँ पर हमने रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर जो है जीकेएम एजीसी 8.7 का जो लेटेस्ट बिल्ड है इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है इस गूगल कैमरे के साथ। तो यहाँ पर फोटो सैंपल को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्लस इस जीकेएम के साथ जो क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इस जीकेएम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस गूगल कैमरे को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है तो एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14 के साथ काम कर जाएगा। एंड रेडमी, पोको, रियलमी, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, नथिंग फोन 1, आईक्यू, ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। अगर बात करें पर यूजर इंटरफेस के बारे में, तो यहाँ पर जो ऑटो एड बैलेंस का ऑप्शन है, एचडीआर नेट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन में टैप करके आप जो मल्टीपल लेंस को एनेबल कर पाओगे। अल्ट्राइड लेंस, मैक्रो लेंस, जूम लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो लाइका फोटो मोड का ऑप्शन है, प्लस कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन में टैप करके आप जो लाइका फोटो मोड को एनेबल कर पाओगे। बाकी यहाँ पर जो है फ्लैश का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, 4:3 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस ऑप्शन के साथ जो है XML फाइल को इम्पोर्ट कर पाओगे इस गूगल कैमरे के साथ। अगर बात करें पर पोर्ट्रेट मोड के बारे में, पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फेस रिटचिंग, टाइमर, फ्लैश एंड 4:3 16:9 का ऑप्शन है। नाइट साइड मोड के साथ जो है पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर एस्ट्रो फोटोग्राफी भी काम कर जाएगा। गूगल कैमरा 8.7 के साथ जो कुछ इस तरह से पर जो आइकॉन देने को मिलेगा, यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो, नियर, फार, इस तरह से पर जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड अगर बात करें पर वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो फुल एचडी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, पर स्पीच एनहांसमेंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऑटो एपीएस, 24 एपीएस, 30 एपीएस, 60 एपीएस का जो ऑप्शन से अवेलेबल है, प्लस स्लो मोशन टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है, सिंपली यहाँ पर स्टॉक कैमरा की यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एनीवे पर फोटो एस्पर एंड पैरानोमा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर आप गूगल कैमरे के साथ जो है 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो, ये जो फोटो एस्पर मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस पैरानोमा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर पैरानोमा के साथ जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। तब डेफिनेटली इस गूगल कैमरे को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। यहां पर बात कर लेते हैं पर जो सेटिंग्स मेनू के बारे में, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो पिक्सल, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो, अलग अलग जो है पिक्सल डिवाइस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पर से सिंपली हम यहाँ पर पिक्सल 7 प्रो को सिलेक्ट करते हैं। पिक्सल 7 प्रो को सिलेक्ट करने के बाद जो है जीकेएम को रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरे को रीस्टार्ट करने के बाद जो है सिनेमेटिक ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है ऑटोमेटिक जो है एनेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है पिक्सल 7 प्रो का जो कैमरा फीचर है, यहाँ पर डिवाइस इंटरफेस में जाके आप जो है एनेबल कर पाओगे। एंड पिक्सल 7 प्रो का जो फीचर से यूज कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर जो है मैक्रो फोकस का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है बाई डिफॉल्ट जो है एनेबल नहीं रहते, हमने जो है अभी पिक्सल 7 प्रो को सिलेक्ट करने के बाद जो मैक्रो फोकस का जो ऑप्शन है एनेबल हो गया है, प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो 10 बिट HDR का जो ऑप्शन से एनेबल हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहते। तो यहाँ से आप जो है डिवाइस इंटरफेस में जाके पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करने के बाद जो पिक्सल 7 प्रो का जो कैमरा फीचर्स है उससे आप जो है एनेबल कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है लेंस सेटिंग्स का ऑप्शन है, पर कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, XML का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है लेंस सेटिंग्स के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग, डिवाइस इंटरफेस का ऑप्शन है, HDR मॉडल का ऑप्शन है। यहाँ पर जो पिक्सल XL, पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4, पिक्सल 4A, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 7 प्रो का जो डिवाइस इंटरफेस आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाओगे। एंड उसी तरह से के यहाँ पर जो है आप HDR मॉडल को भी सिलेक्ट कर पाओगे। इसमें ऐड किया गया है पिक्सल 4, पिक्सल 5, पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 7, अलग अलग
पिक्सल डिवाइस का जो HDR मॉडल है उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो इमेज पर्सिंग का जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के साथ जो फोटो का जो क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो, लूमा क्रोमा सेचुरेशन कॉन्ट्रास्ट ISO ये सभी का जो है मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर इमेज पर्सिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर नाइट साइड मोड, एस्ट्रो मोड प्लस नॉर्मल मोड में भी फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आप HDR मोड में फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो है फोटो क्लिक होने में टाइम लगेगा, फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है कलर सेटिंग्स का ऑप्शन है, ऑटो एड बैलेंस नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस के साथ जो पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4 का ऑप्शन, पिक्सल 5, पिक्सल 6 का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। इस तरह से अलग अलग जो ऑप्शन है अवेलेबल है। यहाँ पर रेड नोट 7 का ऑप्शन है, MI 10 अल्ट्रा एंड अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है ऑटो वाइड बैलेंस के साथ। एंड यहाँ पर जो नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, MI 10 अल्ट्रा, MI 11 अल्ट्रा, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE एंड सैमसंग S21 अल्ट्रा एंड पिक्सल 6 प्रो, रेबनोट 10 प्रो, सैमसंग S21 Plus 9 प्रो, रेबनोट 7 एंड यहाँ पर जो अलग अलग डिवाइस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है नॉइस मॉडल के साथ। एंड यहाँ पर जो रेजोल्यूशन फिक्स का ऑप्शन है, अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, रॉ प्लस GPG मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है प्लस यहाँ पर जो एस्ट्रोमैक्स का ऑप्शन है। एंड इस तरह से इसे भी जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस GCam के साथ। यहाँ पर इस गोल कैमरे के साथ जो कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन है, आप अलग अलग जो वाटरमार्क को यहाँ से जो सिलेक्ट कर पाओगे प्लस XML फाइल को आप यहाँ से जो सिलेक्ट कर सकते हो। GCam AGC 8.7 के साथ जो है XML फाइल को इम्पोर्ट करने का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। एंड यहाँ पर जो लीफ फाइल है उस भी आप यहाँ से जो है इम्पोर्ट कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेफ लोकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर कैमरा साउंड को डिसेबल कर सकते हो, गूगल लेंस को सजेशन ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, गेसेस का ऑप्शन है, डिवाइस स्टोरेज प्लस एडवांस सेटिंग्स को ऐड किया गया है। बट अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर फोटो सैंपल के बारे में। हमने यहाँ पर जो है इस GCam के साथ जो ढेर सारी फोटो को क्लिक किया है। यहाँ पर इस गोल कैमरा के साथ जो काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। कुछ इस तरह से पर जो डायनेमिक रेंज देने को मिल जाएगा इस GCam के साथ। देखिए पर काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। इस अपडेट के साथ जो Xiaomi 13 Pro के साथ जो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। पर ब्यूटी मोड को फिक्स किया गया है प्लस पिक्सल 7 प्रो का जो इंटरफेस का जो इशू था उसे भी फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर लिप पैचर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है प्लस सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा डिवाइस के साथ जो पर ब्लैक स्क्रीन देने को मिल रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है फिलहाल अवेलेबल नहीं है। एंड इस GCam के साथ जो काफी बढ़िया जो है यहाँ पर डिटेलिंग देने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो HDR मोड है, HDR एनहांस मोड है, काफी बढ़िया तरीके से काम कर जाएगा। एंड काफी हद तक जो है पर नेचुरल लुकिंग फोटो क्लिक करेगा एंड एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा। ऑटो एड बैलेंस को एनेबल करने के बाद जो है एक्यूरेट कलर देने को मिलता है, नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा। एंड काफी हद तक जो कॉन्ट्रास्टिव फोटो देने को मिलता है। एंड यहाँ पर सैचुरेशन प्लस कॉन्ट्रास्ट के ऊपर जो काफी बढ़िया जो है बैलेंस देने को मिलता है। एंड यहाँ पर ऑटो एड बैलेंस को एनेबल करने के बाद जो है एक्यूरेट कलर देने को मिल जाएगा, नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा। प्लस एक बार फोटो के ऊपर जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है, काफी कम नॉइस देने को मिलता है। यानी पर कलर शेडो प्लस हाईलाइट के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाएगा। यानी पर HDR मोड, HDR एनहांस मोड को यूज कर सकते हो, ऑटो एड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर जो है फोटो क्लिक किया है। बाकी आपको फोटो सैंपल कैसा लगा आप जरूर से कॉमेंट करके बोल सकते हो। यहाँ पर वाइड बैलेंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट देने को मिलेगा, बेटर कलर विद बेटर डीलिंग देने को मिल जाएगा, काफी कम नॉइस है। प्लस यहाँ पर इस GCam का ऐसे डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। यानी पर कोई भी ग्रीन टिन के इशू देने को नहीं मिलेगा इस GCam के साथ। पोर्ट्रेट मोड हो जाए, सेल्फी हो जाए, उसके साथ भी आप इस GCam की यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस गूगल कैमरे के साथ। तो आप डेफिनेटली इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। ये चीज हमने नोटिस किया है, इस तरह से जो है फोटो सैंपल देने को मिलता है। फोटो क्वालिटी कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके बताना। यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, OIS का ऑप्शन है। यहाँ पर GPG क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर DCI-P3 कलर का ऑप्शन है, टॉप शॉट का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन है, ऑटो नाइट साइड मोड का ऑप्शन है।
एंड यहाँ पर जो HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, रॉ फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, इसके साथ जो कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, इस ऑप्शन के साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, सेफ सेल्फी सेस प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर सके इस पर ऐड किया गया है, वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, EIS OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन है, डेवलपर सेटिंग्स के साथ आप जो है नए नए फीचर्स को एनेबल कर पाओगे जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। तो आप डेफिनेटली इस GCam को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, एंड गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग GCam का जो वीडियो है उसमें आप चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।